नमस्कार दोस्तों दोस्तों गर्भावस्था में फॉलिक एसिड की अहम भूमिका होती है और डॉक्टर प्रेगनेंसी के लिए प्रयास करने वाली महिलाओं को फॉलिक एसिड खाने की सलाह देते हैं। इसको विटामिन B9 के नाम से भी जाना जाता है। गर्भ में बच्चे के विकास और उसके अंगों के निर्माण के लिए फॉलिक एसिड को जरूरी माना जाता है। इससे आपका बच्चा दिमाग और मेरुदंड संबंधी जन्म से होने वाली परेशानियों से सुरक्षित रहता है। इसके साथ ही फॉलिक एसिड से महिलाओं में लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं। गर्भावस्था के दौरान कई तरह की सब्जियों और फलों के माध्यम से आप फॉलिक एसिड को ग्रहण कर सकती है। तो आप इस वीडियो में जानेंगे कि गर्भावस्था में फॉलिक एसिड का क्या महत्व है और प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड लेना कब से शुरू करना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और फॉलिक एसिड युक्त आहार कौन से होते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि गर्भावस्था में फॉलिक एसिड का महत्व क्या है। तो दोस्तों गर्भावस्था में फॉलिक एसिड बच्चे के लिए बेहद जरूरी होता है। अगर प्रेग्नेंट महिला के शरीर में फॉलिक एसिड पर्याप्त मात्रा में न हो तो बच्चे की जो तंत्रिका ट्यूब होती है यानी कि न्यूरल ट्यूब होती है वो सही तरह से बंद नहीं हो पाती है और इससे बच्चे में तंत्रिका ट्यूब दोष यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं। और इसमें दो विकार होते हैं। पहला है स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा में गर्भ में विकसित होने वाले भ्रूण के मेरुदंड यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर बनने वाली सुरक्षा परत सही तरह से बंद नहीं हो पाती है जिससे मेरुदंड के बीच में जगह रह जाती है और इससे भ्रूण की तंत्रिकाओं को स्थायी रूप से क्षति पहुंच सकती है। और दूसरा है एनएनसेफेली। तो दोस्तों एनएनसेफेली में यानी कि इसे हम दिमाग का जन्मजात रोग कहते हैं, इसमें बच्चे के दिमाग का अधिकतर हिस्सा सही तरह से बन नहीं पाता है। दोस्तों एनएनसेफेली में उससे ग्रसित जो बच्चे होते हैं ये अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह पाते हैं। और इसके अलावा स्पाइना बिफिडा भी एक स्थायी विकार होता है और ये भ्रूण के बनने के दौरान होने वाली गंभीर समस्याओं में से एक है। लेकिन आप पर्याप्त मात्रा में फॉलिक एसिड ग्रहण करके बच्चे को इस तरह की समस्याओं से बचा सकती हैं। यदि किसी महिला का पहला बच्चा इस तरह की परेशानी के साथ पैदा हुआ हो तो दूसरे बच्चे के पैदा होने से पहले डॉक्टर सुरक्षा के तौर पर महिला को 4000 माइक्रोग्राम यानी कि 4 मिलीग्राम नियमित फॉलिक एसिड खाने की सलाह देते हैं। प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड ग्रहण करने से आपका बच्चा कुछ तरह की समस्याओं से बचा रहता है, जैसे कि कटा होठ यानी कि क्लेफ्ट लिप, कटा तालू यानी कि क्लेफ्ट पैलेट, समय से पूर्व बच्चे का जन्म, जन्म के समय बच्चे का वजन कम होना, गर्भपात यानी कि मिसकैरेज, गर्भ में बच्चे के बनने की धीमी प्रक्रिया। दोस्तों फॉलिक एसिड से महिलाओं का कुछ तरह के जोखिमों से बचाव होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी से जुड़ी समस्याएं, जैसे कि प्री एक्लेम्सिया होना, साथ ही साथ हार्ट के रोग, स्ट्रोक, कुछ तरह के कैंसर और अल्जाइमर रोग। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड लेना कब से शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों प्रेगनेंसी के तीसरे सप्ताह से प्रेगनेंसी के चौथे सप्ताह में बच्चे में जन्म से होने वाले विकार होने की संभावनाएँ अधिक होती है और इस कारण से ये जरूरी है कि फॉलिक एसिड को आप प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर से ही लेने लगें, क्योंकि इसी समय बच्चे के दिमाग और मेरुदंड का निर्माण होता है। प्रेगनेंसी से पहले आपको शारीरिक रूप से तैयार करने के लिए डॉक्टर आपको कुछ जरूरी विटामिन के साथ फॉलिक एसिड लेने की भी सलाह देते हैं। और एक स्टडी में इस बात का पता चला है कि जिन महिलाओं ने गर्भावस्था से करीब एक साल पहले से फॉलिक एसिड को लेना शुरू किया उनको समय से पहले डिलीवरी की संभावनाएँ 50% तक कम हो गई थी। कई विशेषज्ञों का कहना है कि प्रेग्नेंट होने से एक माह पहले से भी महिलाएं प्रतिदिन फॉलिक एसिड ग्रहण कर सकती है। इसके अलावा गर्भावस्था के बाद भी महिलाओं को फॉलिक एसिड का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। गर्भावस्था से पहले आप जिन विटामिन्स की दवाइयों को ग्रहण करती है जरूरी नहीं कि गर्भावस्था के बाद भी आपको उनकी उसी मात्रा में आवश्यकता हो, और इस स्थिति में आपको प्रेग्नेंट होने के बाद अपने डॉक्टर से मिलकर विटामिन और फॉलिक एसिड की मात्रा के बारे में पूछ लेना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। तो दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड की कितनी मात्रा लेनी ज़रूरी होती है ये प्रश्न कई महिलाओं के दिमाग में आता है। प्रेगनेंसी के लिए विचार करने वाली महिलाओं को डॉक्टर 400 माइक्रोग्राम यानी कि 0.4 मिलीग्राम फॉलिक एसिड लेने की सलाह देते हैं। यदि आप मल्टीविटामिन दवाइयों का सेवन कर रही हैं तो आपको फॉलिक एसिड की निश्चित मात्रा के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर आप मल्टीविटामिन की दवाइयाँ नहीं ले रही हैं तो भी आप फॉलिक एसिड की दवाओं का सेवन कर सकती है। डॉक्टर के मुताबिक महिलाओं को फॉलिक एसिड की रोज़ाना कितनी मात्रा ग्रहण करनी चाहिए उसके बारे में अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी से पहले 400 माइक्रोग्राम या 0.4 मिलीग्राम, गर्भावस्था की पहली तिमाही में 400 माइक्रोग्राम यानी कि 0.4 मिलीग्राम, गर्भावस्था के चौथे महीने से नौवें महीने तक 600 माइक्रोग्राम यानी कि
0.6 मिलीग्राम और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 500 माइक्रोग्राम यानी कि 0.5 मिलीग्राम। दोस्तों बात की जाए कि प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड युक्त आहार कौन कौन से होते हैं, तो गर्भावस्था में फॉलिक एसिड क्यों जरूरी होता है इस बारे में तो हमने आपको बता ही दिया है, और आगे आपको बताते हैं कि ऐसे कई खाद्य पदार्थ होते हैं जिनकी मदद से आप गर्भावस्था में फॉलिक एसिड की आवश्यकता को पूरा कर सकती हैं। तो गर्भावस्था में फॉलिक एसिड युक्त खाद्य पदार्थों की बात करें कि जो आप खा सकती हैं उनमें है कसूरी मेथी, गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक और अन्य, एस्परेगस, चुकंदर, अंकुरित अनाज, सोयाबीन, सरसों का साग और सलजम। फॉलिक एसिड के कुछ अन्य स्रोत भी होते हैं जैसे कि सैल्मन फिश, साबुत अनाज, मांसाहार में लिवर का सेवन, राजमा, जड़ वाली सब्जियां, सभी दालें, गेहूं, सेम, संतरे का रस, एवोकाडो और दूध। दोस्तों कई बार देखा जाता है कि खाना पकाते समय फॉलिक एसिड नष्ट हो जाता है और इसीलिए फॉलिक एसिड युक्त आहार को ज़्यादा न पकाएं। ज़्यादा समय तक पकाने से इन खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता कम हो जाती है। सब्जियों को आप कम पानी में भाप से ही पकाएं। इसके अलावा बैक करके भी आप सब्जियों का सेवन कर सकती है और कई हरी सब्जियों को आप कच्चा भी खा सकती है, लेकिन इससे पहले सब्जियों को अच्छी तरह से धो लेना बेहद ज़रूरी होता है। वैसे कई बार इन खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करने के बाद भी कई महिलाओं में फॉलिक एसिड की कमी रह जाती है, और ऐसे में आप अपने डॉक्टर से मिलकर फॉलिक एसिड युक्त पूरक यानी कि सप्लीमेंट्स का विकल्प भी चुन सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।